ये देखिए, कल हम लोगों ने कहां से पढ़ा था वो देख लीजिए। कल हम लोगों ने देखा था कि कंडीशनल जो है थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो किस टाइप का कंडीशनल है उसको कैसे पहचानेंगे, बोले वर्ब के फॉर्म से, ठीक है। तो अगर हमें कोई कंडीशनल सेंटेंस लिखना हो तो हम तीन में से किस टाइप का कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। बोले डिपेंड कंडीशनल के माध्यम से हमेशा सपोज करते हैं, गुड इवनिंग अबारा, गुड इवनिंग। ओके, कंडीशनल के माध्यम से हमेशा सपोज करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम जिस चीज के बारे में सपोजिशन कर रहे हैं वो रियल है या अनरियल। अगर सपोजिशन अनरियल है तो टाइप सेकंड कंडीशनल लिखेंगे, और जब टाइप सेकंड कंडीशनल लिखेंगे तो टाइप सेकंड का जो कंडीशनल क्लॉज होगा, टाइप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसमें अकेला वर्ब आएगा और हमेशा वो प्लूरल नंबर का होगा और पास्ट फॉर्म का होगा, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। अगर हैव वर्ब आना है तो हैड आएगा, बी वर्ब आना है तो वर आएगा, एक्शन वर्ब आना है तो सेकंड फॉर्म में रहेगा। तो आगे टाइप सेकंड का ही रिजल्टेंट क्लॉज में जनरली वुड प्लस वी वन आता है, लेकिन चूंकि वुड एक पॉसिबिलिटी बताता है, एक मॉडल है, तो यहाँ हम वुड के बजाय कोई दूसरा भी मॉडल यूज कर सकते हैं जो पॉसिबिलिटी बताते हैं, जैसे कुड और माइट, लेकिन पास का ही, फ्यूचर का नहीं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस का जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसमें हैड प्लस वी थ्री आएगा और रिजल्टेंट क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री। पर चूंकि वुड ही पॉसिबिलिटी बताता है तो इसका कोई पास्ट और दूसरा भी हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं, कुड या माइट, ओके। पर जनरली हम लोग वुड का ही यूज करते हैं। लेकिन अगर रियल सपोजिशन में ऐसा सपोजिशन जो अभी होना बाकी है, हो सकता है आने वाले टाइम में या प्रेजेंट में, ठीक है, तो उसके कंडीशनल क्लॉज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब आएगा और रिजल्टेंट क्लॉज में विल शैल को देख करके लोग बता देते हैं कि रिजल्टेंट क्लॉज में फ्यूचर टेंस का वर्ब आएगा। पर ऐसी बात यहाँ टेंस की बात नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा उसमें पॉसिबिलिटी रहती है, फ्यूचर में वो ऐसा हो सकता है गारंटी नहीं रहती है, इसलिए हम मॉडल शैल या विल का यूज कर लेते हैं। लेकिन फ्यूचर के पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कोई भी मॉडल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टाइप फर्स्ट के रिजल्टेंट क्लॉज में, जैसे मे है, कैन है, वुड है, कुड है, माइट है। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम आते हैं टाइप जीरो पे, ठीक है। टाइप जीरो देखिए, हम लिखने की कोशिश करते हैं इसमें, बच्चे चूंकि रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं इसलिए इस तरह के सेंटेंस में वो गलती कर बैठते हैं। जैसे करते हैं कि इफ वी हीट वाटर इट विल बॉयल, ठीक है। तो हम लोग जानते ही हैं, अगर हम ये छिपा दें जो हमने लिखा था टाइप से, उसको मैंने छिपा दिया। अब ये तो आपको देख के लगेगा ही ना, ये कंडीशनल क्लॉज है और कंडीशनल क्लॉज में जो वर्ब हीट आया है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का आया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। तो ये देख के आपको लगेगा कि जब कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब आया है तो कंडीशनल टाइप फर्स्ट में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब आता है, ठीक है, और उसका जो रिजल्टेंट होता है उसमें फ्यूचर टेंस का, जो लोग अब तक जानते रहे कि फ्यूचर टेंस का आता है, तो आपको लगेगा कि सही है और इसको आप कह देंगे कि ये टाइप फर्स्ट का है,
लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है इसमें दो क्लॉज बन रहे हैं, ये एक कंडीशनल क्लॉज है, एक रिजल्टेंट क्लॉज है। ये जो कंडीशनल क्लॉज है ये तो सपोज कर ही रहा है कि यदि हम वाटर को गर्म करें तो वाटर को गर्म करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, बोले ये बॉयल होगा। तो जब आप वाटर को गर्म करेंगे तो बॉयल करने की पॉसिबिलिटी होगी या सर्टेनिटी होगी? वाटर को जब गर्म करेंगे तो वाटर बॉयल होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सर्टेनिटी है? सर्टेनिटी है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा, बल्कि क्या बता रहा है, सर्टेनिटी बता रहा है। और आपको पता है कि जब हमें फ्यूचर की ही सर्टेनिटी बतानी हो तो विल शैल या फ्यूचर टेंस का हम यूज ना करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सब्जेक्ट इट सिंगुलर है तो ये हमें लिखना चाहिए था बॉयल्स। एनी डाउट? एकदम क्लियर है? तो अक्सर होता है कि जो टाइप जीरो होता है ना उसको बच्चे गलती से टाइप फर्स्ट समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि वो रूल वाइज पढ़े होते हैं, उनको लगता है कि कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब आया है, और जैसे ही देखें कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब आया है तो रिजल्टेंट क्लॉज में विल या शैल का मतलब वो टेंस वाइज लेते हैं कि सिंपल फ्यूचर का यूज करें। जबकि हम लोगों ने इसको एज अ रूल देखा है, ठीक है, कि हम कंडीशनल क्लॉज के माध्यम से कुछ सपोज करते हैं और सपोज करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा। तो हाँ, तो बात है कि हम कुछ अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट आएगा। तो हाँ, तो बात है, रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है या सर्टेनिटी है, बस। एनी डाउट? ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी है तो टाइप फर्स्ट में चला जाएगा और सर्टेनिटी है तो टाइप जीरो में आ जाएगा। कोई शक? कोई शक? क्लियर है? तो टाइप जीरो में हम क्या करते हैं इसको सीख लीजिए ध्यान से। संध्या त्रिपाठी बहुत दिन बाद आई है, सिंपल प्रेजेंट। इफ लग गया तो ये बता दिया कि कंडीशनल है, और यहां भी सिंपल प्रेजेंट लगा दिया। ठीक है, ओके। तो जैसे ही आप देखें कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट है तो आप लोग शुरू से देखना है कि सिर्फ एक ही ऐसा है टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप थर्ड में से एक ही ऐसा क्लॉज है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। कौन सा? कंडीशनल क्लॉज ऑफ टाइप फर्स्ट। तो अभी तक तो इंप्रेशन आ रहा है कि कंडीशनल क्लॉज ऑफ टाइप फर्स्ट, तो टाइप फर्स्ट में हम कब लिखते हैं? जब प्रेजेंट में हम कोई काम करें और फ्यूचर में जो रिजल्ट आएगा उसके आने की पॉसिबिलिटी होगी, सर्टेनिटी नहीं होगी। एनी डाउट? पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है कंडीशनल क्लॉज में, पर जो रिजल्टेंट क्लॉज है वो पॉसिबिलिटी नहीं शो कर रहा है बल्कि सर्टेनिटी शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों में कंपेयर करें, दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस है कंडीशनल क्लॉज में, लेकिन एक में जो रिजल्टेंट है वो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है और एक में जो रिजल्टेंट है वो सर्टेनिटी शो कर रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट अगर सर्टेनिटी शो करेगा ये किस में जाएगा? टाइप जीरो ना, यस। और अगर रिजल्टेंट जो है पॉसिबिलिटी शो कर रहा है तो किस में जाएगा? इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो हमें जो है वर्ब फॉर्म या टेंस नहीं देखना है,
अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त किया जाता है, तो हमें सेंटेंस का भाव देखना पड़ेगा। तो सेंटेंस का भाव देख के ही हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि किस टाइप का ये सेंटेंस, किस टाइप का कंडीशनल होना चाहिए, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड या टाइप जीरो। और जिस टाइप में वो आएगा उसके अकॉर्डिंग दोनों क्लॉज, उसके दोनों क्लॉजेस के वर्ब को हम एडजस्ट करेंगे, वर्ब फॉर्म को एडजस्ट करेंगे। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो इधर कल हम लोगों ने एक चीज देखा था, ये देखिए हम देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट, प्रोबेबल इन द प्रेजेंट या फ्यूचर, संभव है प्रेजेंट या फ्यूचर में। टाइप सेकंड, नेवर प्रोबेबल, कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल टोटली काल्पनिक है, अनरियल। टाइप थर्ड, वाज पॉसिबल, है तो रियल का लेकिन पास्ट के लिए पॉसिबल था, क्योंकि पास्ट का समय बीत गया तो पॉसिबल नहीं। और टाइप जीरो जो है तब अप्लाई होता है जब आप कोई कंडीशन को अप्लाई करते हैं प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फ्यूचर में उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डेफिनेट होगा, श्योर होगा, पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं रहेगी। तो टाइप जीरो। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं किसमें, टाइप फर्स्ट में और टाइप जीरो में। ये बात समझ में आ गई? और क्यों कंफ्यूज कर जाते हैं, जो रूल वाइज पढ़ लेते हैं, ठीक है, टेंस देख के, अब सिर्फ वर्ब फॉर्म देख के। श्योर एवरीवन, क्लियर है? अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कंडीशनल विथ इन्वर्जन ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो मैं एक फ्रेश पेज से टॉपिक शुरू करता हूँ। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना इसकी? क्या तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी ना? अब हम नहीं बता पाएंगे, रिकॉर्डिंग का काम कभी कभी हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, नेटवर्क अगर बड़ा। अभी कोई दिक्कत क्या, आपके नेटवर्क दिक्कत कर रहा है क्या? बहुत प्रॉब्लम सर, क्लियर एकदम नहीं दिखाई दे रहा है सर। आप कौन, अनिल बोल रहे हैं? सर मनोज को मनोज जी, क्यों प्रेम, आपके यहाँ नेटवर्क कैसा है? ठीक है सर, मिल जाएगा सर, मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, ये दे देंगे, ठीक है सर जी, ओके ठीक। अब हम आते हैं, ये देखिए हेडिंग, बीच में कुछ सर बोल रहा था, कोई कुछ पूछना चाह रहा था क्या? नहीं, ओके ठीक है। कंडीशनल्स विथ इन्वर्जन, ऑफ द वर्ब, ठीक है, कंडीशनल विथ इन्वर्जन ऑफ द वर्ब। इसको ध्यान से देखिए, यहां से एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर हम एक सेंटेंस लिखें, जैसे मैंने क्या लिखा था उस दिन टाइप थर्ड वाला, कि इफ विनेश हैड लॉस्ट 100 ग्राम वेट, ठीक है, यहां कॉमा कर देना दूसरी लाइन में, शी कुड हैव क्वालिफाइड फॉर गोल्ड, ठीक। अब इसमें है क्या, Had lost, conditional clause में verb है, ठीक है। यहाँ पे दो तीन चीजें हम लोग को समझने लायक है। एक sentence है, sentence एक है, एक sentence में दो clause है। जैसे ही बात होगी clause की तो आप लोग पढ़े थे relative pronoun के time पे ना, कि जो clause होता है वो तीन तरह का होगा, subordinate clause, main clause, subordinate clause और coordinate clause, ठीक है। तो जो इफ क्लॉज होता है, यह कंडीशनल क्लॉज का ही दूसरा नाम इफ क्लॉज है, या इफ क्लॉज का दूसरा नाम कंडीशनल क्लॉज है, क्योंकि इफ क्लॉज, पढ़िए इसको, इफ विनेश हैड लॉस्ट 100 ग्राम वेट, यदि विनेश जो है 100 ग्राम वेट लॉस कर गई होती तो क्या, भाव तो कुछ तो भाव दे रहा है पर पूरा भाव नहीं दे रहा। तो एक ऐसा क्लॉज जिसका भाव पूरा ना हो कैसा क्लॉज कहलाता है,
सबऑर्डिनेट तो हो सकता है, ये आपको अंडरलाइन करके कभी पूछ दे कि व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, ये थी बात समझ। फिर अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो आप सब लोगों को पता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो फंक्शन वाइज अपने आप में या तो नाउन क्लॉज होगा या एडजेक्टिव क्लॉज होगा या एडवर्ब क्लॉज होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को शॉर्टकट में बता देते हैं क्या, कि जो भी इफ क्लॉज होता है, इफ क्लॉज क्लॉजेस कर देगा, ठीक है, इफ क्लॉजेस, ठीक है, बड़ा मुश्किल काम हो गया, इस बार को नहीं बताऊंगा, छोटी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये अभी फिलहाल इतना लेके चलिए। ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक। तो हमें कैसे पता चला कि इफ क्लॉज है, हमें कैसे पता चला कि कंडीशनल क्लॉज है, बोले हम इफ को देखते हैं तो पता चल जाता है कि कंडीशनल क्लॉज है, ये इफ को देखते हैं तो पता चल जाता है कि इफ क्लॉज है, और इफ क्लॉज हो चाहे कंडीशनल क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन अगर इसको हम इन्वर्जन के साथ लिखेंगे, ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर हम इन्वर्जन के साथ, इन्वर्जन ऑफ द वर्ब, ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ द वर्ब में क्या होता है कि वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, और वर्ब अगर दो वर्ड का बना है, वर्ब अगर दो वर्ड का बना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो वर्ड का अगर वर्ब बना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब एक ही वर्ड का है तो वही वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। तो अगर इसको हम इन्वर्जन के साथ लिखें तो क्या लिखेंगे, हैड विनेश लॉस्ट 100 ग्राम वेट, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, विनेश सब्जेक्ट है, ये लॉस्ट आपका मेन वर्ब है और हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ओके। अब कोई अगर यही अंडरलाइन करके पूछ दे कि दिस इज अ क्लॉज, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस, इसमें इफ तो दिख ही नहीं रहा है, तो इफ नहीं दिख रहा है तो हमें लगेगा ही नहीं कि कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है, इफ नहीं दिख रहा है तो लगेगा ही नहीं कि इफ क्लॉज है, और इस वजह से हम कई बार बता नहीं पाएंगे, अब तो पढ़ लिए हैं, अदरवाइज नहीं बता पाते कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि मेन क्लॉज है या कंडीशनल क्लॉज है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ द वर्ब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल क्लॉज में होता है, रिजल्टेंट क्लॉज में नहीं होता है, रिजल्टेंट क्लॉज एज इट इज रहेगा, ठीक है। शी कुड have qualified for gold, कोई दिक्कत समझ में आया? Yes sir, yes sir. ठीक है, यहाँ एक नोट हमें लिखना है, बाकी हम तीनों का करके बता देंगे, ठीक है। The conditionals with inversion of verb, the conditionals with inversion of verbs are more forceful या emphatic, than the normal word order, normal word order मतलब पहले subject बाद में पढ़, ठीक है, normal word order conditionals, any doubt? ठीक है,
जो ये लिखे जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस इन्वर्जन के साथ। तो जब आप कंडीशनल सेंटेंस में इन्वर्जन ऑफ द वर्ब करेंगे, ठीक है, तो वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। एक बार, दूसरी बात, उसमें से इफ हट जाता है, इफ नहीं रहता है, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इफ इज रिमूव्ड फ्रॉम कंडीशनल्स विथ इन्वर्जन, ये बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट ये है, द इन्वर्जन ऑफ द वर्ब ऑफ द वर्ब टेक्स प्लेस ओनली इन द कंडीशनल क्लॉज। ओके, वो रिजल्टेंट क्लॉज में इन्वर्जन ऑफ द वर्ब नहीं होता है। एकदम क्लियर है? यस एवरीवन। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये टाइप थर्ड का कंडीशनल हो जाएगा, ये टाइप थर्ड का कंडीशनल नहीं, यहां लिख दे रहा हूं, टाइप थर्ड, ठीक है। टाइप सेकंड में आ जाते हैं, जैसे तेजो जी कल कुछ पूछ रहे थे ना कि सर टाइप सेकंड का जो वी फॉर्म करके बताइए ना। हाँ सर, उसमें हायर वर वी टू लिखा था ना, वर टू, उसी का एग्जांपल पूछ रहे थे सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं उसी का एग्जांपल ही कर देता हूँ, ठीक है। टाइप से वी टू जो है सिंगुलर नंबर में भी होता है, प्लुरल नंबर में, लेकिन फॉर्म उसका हमेशा पास्ट का होता है ना, ठीक है। देखिए, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 30 बच्चे हैं लगभग, अगर, ठीक है, इफ आई टॉट साइंस, ठीक है, I would have more students. More students short में लिख दे रहा हूं। तेजू जी देखिए, ये if clause है, if है, conditional clause है, ये resultant clause है, would plus v1 आया है, ये taught action verb है, तो v2 आया है, तो क्या कह रहा है? If I taught science, अगर हम if को हटा दें, अब पढ़िए, I taught science, तो क्या कह रहा है? मैं science पढ़ाता था, ये कह रहा है ना? जी सर। If के साथ पढ़िए, If I taught science, क्या ये यदि मैं science पढ़ाता था, यदि मैं science पढ़ाता, यदि मैं science पढ़ाता, हाँ है ना जी सर, ठीक है, एक्शन है, तो आप कब कहेंगे यदि मैं साइंस पढ़ाता, जब आप साइंस पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं? जब नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहे ना, तो आगे क्या कह रहा है? इफ आई टॉट साइंस आई वुड हैव सम मोर स्टूडेंट्स, यदि मैं साइंस पढ़ाता तो मेरे पास कुछ और छात्र होते, हाँ है ना, पर वो साइंस पढ़ाता ही, तभी तो ये कल्पना कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ओके।
अब इसका इन्वर्जन ले लेते हैं, ठीक है? कोई इन्वर्जन करके बताएगा भाई इसका? विल समवन हेल्प मी? पहले तो इफ हट जाएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। देखिए एक से, होल्ड ऑन प्लीज, जस्ट में इफ हट जाएगा एक बार। दूसरी बात, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। हाँ या ना? ठीक है, कॉमा ये तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, अब अगर कोई रिप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है, बोलिए। Did I teach science? Did I teach? Very good, very good, very good, very good. Did I teach science? Teach science, na? ठीक है, बाकी दूसरा तो ऐसे ही रहेगा। I would have more students. ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये टीच मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया ना। अब कहीं से भी इस क्लॉज को देख के जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो बता सकते हैं क्या कि कंडीशनल क्लॉज है? नहीं लगेगा, आइडिया ही नहीं लगेगा। हाँ या ना, बोलिए भाई। जी सर, जी सर। तो ये क्या, डिड आई टीच साइंस, आई वुड हैव मोर स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल इफ वाला भाव दे रहा है, क्योंकि यहाँ से इफ हट गया है, ठीक है। तो ये इसके तुलना में आपको इस तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये भी सेंटेंस दिया है और उसका इन्वर्जन करके भी दिया है, ठीक है। आप पूछा है कि बताइए इसको लेंगे, किसको लेंगे, किसको लेंगे, तो हम इसको लेंगे, क्योंकि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है विथ इन्वर्जन ऑफ द वर्ब, दे आर मोर फोर्सफुल। ओके, ठीक है जी सर। ये टाइप सेकंड का हो गया, टाइप थर्ड का हो गया, ठीक है, और टाइप फर्स्ट का देखिए। सॉरी, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, वही वाला ले लेते हैं, ठीक है, जो लिखा था। इफ वी वर्क हार्ड वी विल पास, ठीक है। अब इसका अगर हम इन्वर्जन करें तो पहले तो इफ हट जाएगा, ठीक है, तो इसमें अलग से आता है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या शुड वी वर्क हार्ड वी विल पास, ठीक। तो जो टाइप फर्स्ट का इन्वर्जन होता है वो किससे चलता है? शुड से, ठीक। तो मैं इसको अलग से बना दे रहा हूं, शुड या हो सकता है मस्ट भी आ जाए, ठीक है, मस्ट प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि मॉडल है तो मेन वर्ब वी वन ही रहेगा, प्लस वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। तो ये जो होता है ये किसका इन्वर्जन है? इन्वर्जन ऑफ, इन्वर्जन ऑफ टाइप फर्स्ट, ठीक है। ओके, बोलिए भाई। जी सर, ये दो साल पहले जो सीबीएसई का एक एग्जाम हुआ था, मिड टर्म, उसको एसए टू बोलते हैं क्या? सचिन सर, हाई स्कूल में हुआ था। यस सर।
एसे टू, उसमें वो नंबर भी शायद बोर्ड में ऐड होता था उस समय, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था। इस क्वेश्चन को लेकर इतना हाई तोबा मचा था कि इस पे पार्लियामेंट में सवाल कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ही ट्रेडिशनल लिंग से पूछा जाता है, तो किसने पढ़ा दिया होगा उनको, ग्राउंड रियलिटी नहीं बता रही होगी बच्चों को क्लासरूम में कैसे पढ़ाया जाता है, अब लेकिन बनाने वाले ने बना दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब कंडीशनल हमारे यहाँ पे हो जाता है खत्म। किसी को कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड, जल्दी पूछ बोलिए, नहीं तो हम क्वेश्चन कराएंगे भी तुरंत। सीट में सर एक आध जगह दो क्लासेस की जगह तीन देखने में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो थियरी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे किसी को कोई एडिशनल सवाल करना है, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आगे भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो क्या हम स्विच ओवर कर सकते हैं क्वेश्चन शीट पे? यस सर। जी क्या कह रहे हैं सर? जो जीरो टाइप का सर, इसका इन्वर्जन फॉर्म सर होता है सर? जीरो टाइप पे नहीं बनाते हैं जनरली, ठीक है। आइए क्वेश्चन शीट करते हैं। कंडीशनल्स, एग्जाम क्वेश्चन, मैं दोबारा इसको शेयर कर दे रहा हूं। और बहुत इजी टॉपिक है ये, जिसको एक बार अच्छी तरह से समझ में आ गया वो नंबर लेके आएगा, और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एग्जाम चाहे कैसा भी हो, तो खास करके आपका जो एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन तो कम से कम आना चाहिए, ठीक है। ओके, बिगनिंग विथ क्वेश्चन नंबर वन। I'd ask the job if you had paid me enough. Second part में देखिए, if you had paid me, यदि तुमने मुझे पर्याप्त पेमेंट किया होता ना, तो इसमें क्या है कि कंडीशनल क्लॉज बाद में लगा है, तो रिजल्टेंट क्लॉज पहले आ गया है, ठीक है। और आप लोग ये जानते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर दो या दो से अधिक क्लॉज है, तो कोई भी क्लॉज आगे पीछे कर सकते हैं, उसको कहीं भी गलती नहीं होती, ठीक है। ओके, तो जो कंडीशनल जवाब दीजिए, जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें वर्ब फॉर्म क्या दिया है? हैड पेड, तो हैड के बाद पेड वी थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशनल क्लॉज में अगर वर्ब फॉर्म हैड प्लस वी थ्री है, तो ये किस टाइप का कंडीशनल होगा? टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या थर्ड? इसके रिजल्टेंट, तो टाइप थर्ड के रिजल्टेंट क्लॉज में वर्ब फॉर्म क्या आएगा? आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। ए। भाई किसी को जरा भी डाउट है इस मामले में? बोलिए भाई, मनोज जी, अंशिका, तेजू जी, कृष्णा, कृष्णा नो सर, मंजू मैम, मनीषा, अब तो मनीषा से पूछना ही बेकार है, चांस ही खो दी। चलो क्वेश्चन नंबर टू। इफ आई हैड नोन इट वाज योर बर्थडे, यदि मुझे पता रहा होता कि तुम्हारा बर्थडे था, इफ आई हैड नोन, साफ साफ दिख रहा है कि कंडीशनल क्लॉज पहले है, कंडीशनल क्लॉज में वर्ब हैड नोन यानी हैड प्लस वी थ्री है, तो आगे क्या आएगा? वुड है प्लस वी थ्री, हाँ या ना? ये ठीक है, या नॉट लगा के दिया है, तो क्या होगा? कौन सा, ए या डी? दोनों में, दोनों में सर ए होना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे बोलिए। पहला, क्योंकि अब ये क्या बात हुई, यदि मुझे पता रहा होता कि तुम्हारा बर्थडे है तो मैं केक नहीं बनाता, ये बता रहा तो बनाता ना, तो ए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वुड हैव तो दिया है ए ऑप्शन में,
लेकिन वुड हैव प्लस वी थ्री, तो वी थ्री उसमें ऑप्शन में नहीं दिया बल्कि आगे लिख दिया बेग्ड वी थ्री, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये होना चाहिए था वुड हैव, वुड हैव डब्ल्यू ओ यू एल डी वुड हैव, और बेग्ड ऑलरेडी उसमें है सेंटेंस में लिखा है बी ए के ई डी, इसलिए मैं बेग्ड को ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ आई वाज गोइंग, ये बस इतने से इसका काम हो गया। नो जो है नॉन एक्शन वर्ब है और नॉन एक्शन वर्ब को आप कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। इफ आई वाज नोइंग नहीं होगा, इफ आई न्यू, ए ऑप्शन। श्योर? बोलिए भाई। यस सर, न्यू। इफ आई वाज नोइंग सर, लेकिन आगे वाली क्लॉज में वुड हैव है ना, तो मैडम कोई 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 फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनिए मेरी बात, दो मिनट रुक जाइए, गलती आपने पता कर लिया, बोलिए। हाँ, अब आगे मैंने नहीं पढ़ा था तो गलती इसमें है, वाज नोइंग नहीं होगा, इतना तो गलत है। अभी हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा तो सिंपल पास्ट में होगा या पास्ट परफेक्ट में होगा, तो आप सही कह रही हैं, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड, तो इसका जो रिजल्टेंट क्लॉज है वुड हैव इन्फॉर्म्ड, यानी कि वुड हैव इन्फॉर्म क्या कह रहा है, रिजल्टेंट क्लॉज टाइप थर्ड का है, तो कंडीशनल क्लॉज भी टाइप थर्ड का, यानी कि हैड प्लस वी थ्री आना चाहिए था। हाँ या ना? यस सर, यस। हैड नोन, के एन ओ डब्ल्यू एन, ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। फोर्थ, इफ अ पर्सन स्टडीड अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इफ अ पर्सन स्टडीड, यहां तक तो देख के लग रहा है कि टाइप सेकेंड का है, ठीक है, He would have wandered, आगे जब resultant clause में जाके देख रहे हैं तो बोल रहा he would have wandered, यानी would have plus v3 है, इसका मतलब इसका conditional भी जो है type third का है, यानी कि had plus v3 आना चाहिए था, तो ये C option, तो C option होना चाहिए ना? Yes sir. Okay. Fifth. ये बढ़िया, इवन इफ यू आर ए फिल्म स्टार आई वुड नॉट केयर फॉर यू, मैं इसको लिख दे रहा हूं, इवन इफ यू आर अ फिल्म स्टार स्टार आई वुड नॉट नॉट केयर, बस केयर का टेक दे रहा हूं, ठीक है, फॉर यू नहीं लिखता, ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो सिर्फ वर्ब फॉर्म को ही मत देखिएगा, इसके भाव को भी आप लोग देखिएगा, हाँ, वर्ब फॉर्म से जरूरी नहीं है, भाव वो होना चाहिए, क्या कह रहा है, इवन इफ, इवन इफ जो है वो भी कंडीशनल होता है, और इवन इफ जो है इफ से ज्यादा फोर्सफुल होता है, ये बात समझ में, इवन इफ इज मोर फोर्सफुल देन सिंपली इफ, कोई दिक्कत? तो क्या कह रहा है, भले ही तुम फिल्म स्टार हो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा या नहीं करता, तो इफ लगा दिया, सपोज तो कर ही रहा है, तो आप सपोज कब करोगे, जब वो फिल्म स्टार है या जब वो नहीं है, तब आप सपोज करें कि यदि तुम फिल्म स्टार होते तो भी मैं क्या नहीं करूंगा, जब वो नहीं है, तो ये अकेला बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये रियल सपोजिशन है कि अनरियल सपोजिशन, पहले ही बताइए, अनरियल सपोजिशन के लिए आपको हमेशा जो वर्ब चाहिए वो प्लूरल नंबर ऑफ पास्ट फॉर्म का चाहिए, और प्लूरल नंबर पास्ट फॉर्म का बी वर्ब कौन हो जाएगा, क्लियर है? ओके, तो ये ए पार्ट में एरर है, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा एक वर्ब फॉर्म का क्वेश्चन बनता है, वो मैं इधर बता यहाँ बता देता हूँ, जगह है यहाँ, बल्कि यहाँ बता देते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे मैं कल से आप लोगों को बता रहा हूं कि जब भी अनरियल सपोजिशन करना हो तो वर्ब प्लूरल नंबर पास्ट फॉर्म का आता है, ठीक है, और अनरियल सपोजिशन ठीक है,
past form and plural verb is used. ठीक है, कभी भी अनरियल सपोजिशन करेंगे तो अनरियल सपोजिशन के प्लूरल पास्ट फॉर्म का और प्लूरल नंबर का वर्ब यूज होगा. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप कहते हैं ना एज दो, टी एच ओ यू जी एच दो, मानो यदि, इफ, इवन इफ, मानो यदि, एज इफ. ठीक है, आई विश कहते हैं ना, विश, विश का मतलब क्या है, आप अपनी इच्छा प्रकट करते हैं ना, काश ऐसा होता है, तो आप काश ऐसा होता है या इच्छा कब प्रकट करते हैं, जब वो चीज आपके पास है या नहीं है. तो यही वजह है कि चूंकि ये एक्सप्रेशन जब भी आ जाते हैं, ठीक है, तो इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आएगा. ठीक है, यानी कुल मिला के एक क्लॉज आएगा. तो इधर जो एक्सप्रेशन पहले लिखे एज दो, मानो यदि, इफ यदि, इवन इफ, मानो यदि, एज इफ, मानो यदि, विश, काश. ठीक है, तो ये सब सपोजिशन का भाव देते हैं और अनरियल सपोजिशन का भाव देते हैं, इसलिए यहाँ वर्ब जो है अनरियल सपोजिशन वाला आएगा, और अनरियल सपोजिशन वाला जो वर्ब यहाँ पे आएगा वो हमेशा प्लूरल नंबर का होगा एंड पास्ट फॉर्म का होगा. ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं होगा तो फ्रेम डाल देंगे. ठीक है, ओके, यस सर. ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, इस पर बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, ओके, यहां मार्क कर दे रहा हूं इंपॉर्टेंट. रक्षाबंधन के दिन तो कोई क्लास लेना नहीं चाहेगा? नो सर. नो सर, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, इफ यू वुड रिसीव माय लेटर इन टाइम, if he would receive my letter in time, in a samay se yadi mujhe usse mera patra mil jata, theek hai, he would be able to change his plan. theek hai, ध्यान से देखिए, he would be able to change his plan. बहुत अच्छा क्वेश्चन. अब देखिए, ये रिजल्टेंट क्लॉज है, रिजल्टेंट क्लॉज में वर्ब क्या दिया है, would plus v1, yes or not? Yes, और आपने देखा है कि अगर रिजल्टेंट क्लॉज में वर्ब वुड प्लस वी वन है तो किसका पहचान होता है, टाइप सेकंड का, हाँ या ना? Yes, sir. ये है, ये पूरा अंडरलाइन करके दिया ही है. ठीक है, तो वैसे तो सिर्फ इतना ही हम देखें तो हमें लग रहा है कि ये जो है जो कंडीशनल क्लॉज है ये टाइप सेकंड में जाना चाहिए ना, टाइप सेकंड का जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसमें वर्ब क्या आना चाहिए, वी टू आना चाहिए, रिसीव एक्शन वर्ब है तो रिसीव्ड होना चाहिए. जब रिसीव्ड होना चाहिए तो ये पूरा का पूरा किसमें आ जाता, अगर इसको रिसीव्ड कर देते तो टाइप सेकंड में आ जाता, और टाइप सेकंड क्या कहता है, अनरियल सपोजिशन. लेकिन जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है ये रियल है या अनरियल सपोजिशन? रियल, रियल है ना, भाव यह है कि यदि समय से मेरा पत्र उसे मिल जाए तो वह अपना प्लान चेंज कर सकता है.
करेगा नहीं, कर सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा है ये ना, ठीक है। yes, तो अगर हम ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इसी को कंडीशन, क्योंकि ये तो अंडरलाइंड है कंडीशनल क्लॉज, इम्प्रूवमेंट हमें कंडीशनल क्लॉज में करना। अब कंडीशनल क्लॉज में इम्प्रूवमेंट किसके बेसिस पे करेंगे? जो बच्चे वर्ब फॉर्म देखते हैं वो तो रिजल्टेंट क्लॉज के बेसिस पे करेंगे, और रिजल्टेंट क्लॉज में वर्ब फॉर्म वुड प्लस वी वन दिया है, और वुड प्लस वी वन तो टाइप सेकंड का होता है, तो इसको देख के हम इसको टाइप सेकंड में कर देंगे। और टाइप सेकंड का कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, देखिए ए में विल रिसीव है, सी में रिसीव सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और बी में सिंस ही वुड, तो सिंस तो लगेगा नहीं कंडीशनल में, तो बी तो ऐसे ही खत्म हो गया, और चूंकि गलती दिख रही है तो डी नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, तो बी और डी तो नहीं होगा, हाँ या ना, ठीक है। अब जो बच्चे इसको देखेंगे कि नहीं वुड रिजल्टेंट क्लॉज में वुड प्लस बी वन है तो टाइप सेकंड मिल नहीं रहा, अब क्या करें? तो बोले भाव के अनुसार ये लग रहा है कि ये रियल सपोजिशन है, और रियल सपोजिशन में पास्ट की बात नहीं कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि यदि उसको समय से मेरा पत्र मिल जाए तो वो अपना प्लान चेंज कर लेगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा इफ ही रिसीव्स, जो कि बी ऑप्शन, आर ई सी ई आई बी ई एस, इफ ही, इफ ही रिसीव्स माय लेटर इन टाइम। फिर अगर कोई सवाल करता सर वुड बी कैसे, बोले आपको बताया था कि अब इस इतना देख करके तो लग रहा है ना कि टाइप फर्स्ट का कंडीशनल क्लॉज है, इफ ही रिसीव्स माय लेटर इन टाइम, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है कंडीशनल क्लॉज में, ये देख के लग रहा है कि टाइप फर्स्ट का कंडीशनल है, जल्दी बताइए। यस सर। यस एवरीवन, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जी सर लग रहा है। यस सर लग रहा है। तो जब टाइप फर्स्ट, ध्यान समझिए, जब टाइप फर्स्ट का आप कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं तो टाइप फर्स्ट के कंडीशनल सेंटेंस का जो रिजल्टेंट क्लॉज होता है, रिजल्टेंट क्लॉज में फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है कि नहीं? यस सर। यस सर। कल ही आप लोगों ने देखा था कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम वुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये सीधा देखिए क्वेश्चन पूछा गया इस पे जो कल हम लोगों ने बात की, तो ये क्या बता रहा है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी, श्योर एवरीवन? यस सर। तो इसका सी ऑप्शन होगा, और ये देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है, किसमें पूछा है ये? ये IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2013, नहीं सॉरी इसमें है SCRA, बहुत अच्छा सवाल, SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, ये ट्रेनिंग में ही क्लास वन बन जाते हैं ये सब, जो DRM वगैरह होते हैं ना पूरे एक जोन के जो मालिक होते हैं रेलवे में, लोग कहते हैं IIT बहुत टफ एग्जाम है। सर आपको तो बेहतर पता होगा मुझसे, आप इस फील्ड के हैं मैथ्स के, सचिन सर मुझे बच्चे बताया करते थे कि सर ये IIT से भी टफ एग्जाम होता है SCRA का, बहुत लिमिटेड सीट्स होती है इसमें। ओके सेवन नंबर, आज देखिए आप लोगों का आ गया UPTGT 2019, द पुलिस किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, ठीक है। तो ये लग रहा है कि ये रियल पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, तो ए कह रहा है द पुलिस किल्स यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, इफ यू ट्राई टू रन अवे, ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि दोनों इसमें प्रेजेंट टेंस में आ गया। बी कह रहा है द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, इज दिस पॉसिबल? यस सर। यस सर, यही पॉसिबल है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। एट्थ हम ले लेते हैं, आई बी देयर, बहुत बढ़िया सवाल है, आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, क्या कह रहा है ये? साफ साफ दिख रहा है कि कंडीशनल है, पर इसमें इफ नहीं लगा है, इफ को हटा दिया है, तो ये कंडीशनल विथ इन्वर्जन हो गया है, ठीक है ना? यस सर। ओके आई बी देयर, इसका मतलब
कह रहा है यदि मैं वहां होता तो परिस्थितियां अलग होती, ऐसा भाव आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और बी का जो है थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो देखिए आई हैड बीन देयर, अगर कहें आई हैड बीन देयर तो ये फैक्ट बता रहा है कि मैं वहां था, ये हो ही नहीं सकता। ए बी आई वॉज देयर, ये भी फैक्ट बता रहा है कि मैं वहां था, ये भी नहीं हो सकता। सी हैड आई बीन देयर, यदि मैं वहां होता ना, इन्वर्जन के साथ आया, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, ये तो सी हो गया। डी कह रहा है, किसी का माइक ऑन है ऑफ करिए, हैड आई बीन देयर सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट, दो हमें पॉसिबल दिख रहा है, कौन सा? तीसरा वाला, थर्ड वाला, ठीक है, ओके गुड। ये आप लोग के एग्जाम का क्वेश्चन है, 9 नंबर। इफ आई बी गॉड आई इलिमिनेट ऑल सफरिंग्स, यदि मैं भगवान होता तो मैं सारी कष्ट, सारे कष्ट को हटा देता। अब अपने दिमाग से बताइए, सपोजिशन तो है, सपोजिशन तो है क्या? ठीक है सर, नहीं पूछे पूछे, क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं सर, आवाज नहीं आ रही, फिर से क्लियर है सर? ओके, कोई दिक्कत। If I be God, B यानी ब्रैकेट में B डाल दिया, B यानी B फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वहां पे डिमांड कर रहा है am, is, are, was, were, been, being, क्या लगेगा? ठीक है, B फॉर्म, यानी होना या दशा वाला वर्ब चाहिए। तो if I be God, I eliminate all suffering, कह रहा है यदि मैं भगवान होता तो सारे कष्ट दूर कर देता। तो जिस तरह का है तो सपोजिशन सपोज कर रहा है, लेकिन इसके भाव से बताइए रियल है कि अनरियल? डाउट ही नहीं है ना, जब अनरियल है तो टाइप सेकंड में ही जाएगा, आराम से बता दिए क्या होगा? बी ऑप्शन, बढ़िया चल रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। कृष्णा? यस सर। ठीक चल रहा है भैया? यस सर। पक्का ना? यस सर। ओके, 10 नंबर इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में, यहाँ पे 10 मार्क करके लिखता हूँ, 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए। इफ ही वेंट टू आगरा, इफ ही वेंट टू आगरा, ही वुड हैव सीन द ताज, he would have seen the Taj, hai Tajmahal pura likha, Tajmahal, theek hai। ab jo log niyam anusar karte hain to ye conditional clause ho gaya, conditional clause mein v2 form of the verb diya hai, boliye bhai ab akela hai, और आपने पढ़ा है कि अगर कंडीशनल क्लॉज में वी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया है तो वो टाइप सेकंड का कंडीशनल बनेगा, हाँ या ना? जी सर, टाइप सेकंड का बनेगा, टाइप सेकंड हो गया। और आप अगर रिजल्टेंट क्लॉज में आते हैं तो रिजल्टेंट क्लॉज में आप पाते हैं कि वुड प्लस है प्लस वी थ्री आ गया, तो वुड प्लस है प्लस वी थ्री जब आ गया तो ये टाइप थर्ड का आ गया रिजल्टेंट, हाँ या ना? थर्ड का आ गया ना। अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, क्या बोले? रिजल्टेंट को जब हम टाइप थर्ड मान लेंगे तो कंडीशनल क्लॉज को भी हम टाइप थर्ड में कर देंगे, यानी हैड प्लस वी थ्री कर देंगे। या फिर इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं क्या, कि यदि हम इसी को सही मान लें कि नहीं ये टाइप सेकंड का है, और कुछ लोग ऐसे बता दे देंगे कि नहीं आज पहला ही वर्ब जो है, सेंटेंस इधर से लिखे हो गए, जब पहला ही वर्ब टाइप सेकंड में आ गया, ठीक है, वी टू अकेला दिया है यानी कि टाइप सेकंड में ही बताया, तो इसको टाइप सेकंड में कर दो। तो अगर हम इसको टाइप सेकंड में कर देते हैं, रिजल्टेंट क्लॉज वाले वर्ब को टाइप सेकंड में कर देते हैं, तो पूरा सेंटेंस टाइप सेकंड का बनेगा, तो ये क्या बताएगा? अनरियल सपोजिशन। क्लियर है? यस सर। ओके, लेकिन अगर हम इसको
कंडीशनल क्लॉज को टाइप थर्ड में अगर कर दें, हैड प्लस वी थ्री लगा दें, तो ये रियल सा क्वेश्चन बता देगा। दो तरह से सही हो सकता है। अब इसको हम किस जाकर आप ऑप्शंस में देखें, इसको शीट में आ जाइए, तो हम ए को टिक करें, ए में गलती है या बी में गलती है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में गलती हो सकता है। ओके होल्ड ऑन प्लीज। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा है भाषा भाव देगा, एक सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस, इसका भाव आएगा और कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से हम सब पोजीशन करते हैं। जिस तरह का सेंटेंस दिया गया इसको पढ़ के क्या लग रहा है, रियल सब पोजीशन है या अनरियल है? रियल है ना, रियल है ना, और रियल में ये फ्यूचर का आ रहा है कि पास्ट का रियल आ रहा है? पास्ट का। तेजू जी एंड एवरीवन क्लियर है? जी सर। तो जब ये रियल है और पास्ट का रियल है तो इसको हम क्या कर देंगे, हैड प्लस वी थ्री ना, हैड और वी थ्री क्या होगा, गॉन हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो ये बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन दिया, इसमें कोई फंस जाता अगर इतना कॉन्सेप्चुअली इस टॉपिक को जो नहीं पढ़ा है आराम से वो फंस जाता। ठीक, तो ये किस में जाएगा, ए ऑप्शन, ए गलत है, ए पार्ट में गलती है। ठीक है ना, सेटिस्फाइड एवरीवन? ओके, 11 नंबर। पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड, पॉलिटिकल कैंडिडेट ने बात की, क्या दिया, एज इफ, एज इफ हिंदी के अनुसार, एज इफ अभी आपने पढ़ा ना, हिंदी के अनुसार एज इफ क्या कहते हैं, मानो यदि। तो ये एक्सप्रेशन कब देंगे, मानो यदि, जब वो फैक्ट है या उसको सपोज कर रहे हैं? ठीक है, सपोज कर रहे हैं, और सपोजिशन में रियल क्या, अनरियल, अनरियल, क्योंकि उस समय वैसा है नहीं। तो एज इफ ही हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड, मानो यदि वो पहले से ही इलेक्ट हो चुका हो। तो ये जो भाव जा रहा है वो प्रेजेंट में जा रहा है कि पास्ट में जा रहा है? पहला ही इसका जो वर्ब है टॉक्ड, पास्ट में, पास्ट में बात किया, तो जब पास्ट में बात किया तो प्रेजेंट में सिलेक्ट हुआ होगा या पास्ट में? पास्ट में ना, पास्ट में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज इफ ही हैड ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड आएगा या ही वर ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड? भाई तो पास्ट में पास्ट का परफेक्ट आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, एज इफ ही हैड ऑलरेडी, मानो यदि। तो यहाँ पे हैड जो है ये सपोजिशन का भाव दे रहा है, फैक्ट नहीं बता रहा है। तो ये नहीं कह रहा है कि उसको चुन लिया गया था, मानो यदि उसको चुन लिया गया हो, ऐसा भाव दे रहा है। कोई दिक्कत? बोलो भाई। नहीं ना। और यहाँ पे हैड जो है पास्ट टेंस ही बता रहा है, पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म में भी है और पास्ट टेंस बता रहा है। इस पे बाद में चर्चा कर लेंगे हम, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं पहले। तो इसमें किस में एरर है भाई, ए बी पार्ट में एरर? सर बी पार्ट में ना। हाँ बी में है, मैंने बी लिखा है। ओके, इफ ही इज अ मिलियनियर, इफ लगा दिया, यदि, यदि वो करोड़पति है या होता, होता। तो यहाँ इस की जगह वर होगा ना, अनरियल सब पोजिशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ क्या, इफ ही इज अ मिलेनियर। अच्छा मिलेनियर की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग एरर में आता है, इफ ही इज अ मिलेनियर, एम आई डबल एल आई ओ एन ए आई आर ई होता है ना। यस सर। अब
यहाँ पे चूंकि अनरियल सपोजिशन होता है तो अनरियल सपोजिशन के लिए वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर पास्ट फॉर्म का, तो ये आना चाहिए वर्ब। अब कुछ लोग इस बात को नहीं जानते तो उनको लगेगा कि ही के लिए वर्ब क्यों, ही के लिए तो वाज आना चाहिए, लेकिन कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब प्लूरल पास्ट फॉर्म का तब आएगा जब अनरियल सपोजिशन होता है। ठीक है, ओके, जस्ट तो एकदम क्लियर है ये। तो 12 का ए में एरर है ना? यस, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, थर्टीन Had I not taken ill, मैं लिख ही दे रहा हूं, ठीक है? Had I not taken ill, I would have sent you my research paper. I would have sent you research paper much earlier. Okay, तो अगर हम resultant clause देखें तो would have sent conditional third में जा रहा है, ठीक है, और had not taken ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, और हैड प्लस वी थ्री दिया है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये कंडीशनल क्लॉज है टाइप थर्ड का, रिजल्टेंट क्लॉज में वर्ब टाइप थर्ड का ही है। अंतर क्या है यहाँ पे, ये वो कर दिया है इन्वर्जन ऑफ द वर्ब के साथ लिखा, तो इन्वर्जन ऑफ द वर्ब अगर हुआ है तो इफ हट गया, तो मेरे समझ सकते इसमें नो एरर है। यस सर। यस, एग्रीड एवरीवन? No error. Yes, sir. D option. 14. He looks as if बहुत बढ़िया है. He इसको ब्लैकिंग सील दो ना. अच्छा, रीडिंग का ये निशा, रीडिंग यहाँ देखने में दिक्कत हो रही है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, he looks प्रतीत होता है ना, as if आ गया, as if क्या, मानो यदि, he dash very, very का मतलब ठीक है, तो जब as if लग गया मानो यदि, ठीक है, तो ये सपोजिशन तो है पर रियल है कि अनरियल है? मानो यदि आप कब कहेंगे? मानो यदि कब कहेंगे? जब वो ऐसा नहीं होता है ना, कुछ लोगों का चेहरा ही ऐसा होता है कि हमेशा यार लगता है कि उसका चेहरा देख के लगता है जैसे मरघट से आ रहा है, नहीं थका थका सा, हाँ, वो सुबह सो के भी उठेगा तो ऐसा लगेगा कि थका हुआ ही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनरियल सपोजिशन और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब वर हो जाएगा। श्योर? ठीक है, यस सर। मा डी ऑप्शन ना। 15 आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी अ बर्ड ना, आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी अ, आई कैन फ्लाई
इफ आई विल बी अ बर्ड. हाँ ठीक है ओके अच्छा क्वेश्चन है. देखिए इसको समझते हैं थोड़ा. हाँ आई कैन फ्लाई ठीक है इफ आई विल बी अ बर्ड. विल बी अ बर्ड ठीक है. अब ध्यान से अगर देखिए तो मैं इसको थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर को मैं रिवर्स कर दे रहा हूं ठीक है. मतलब क्लॉज को रिवर्स कर दे रहा हूं ताकि हम लोग आसानी से जैसे क्लासरूम में पढ़े थे वैसे इसको समझ सकें. अगर हम इसको 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 ऐसे लिखें इफ आई विल बी अ बर्ड ठीक है. आई कैन फ्लाई आई कैन फ्लाई. तो कैन फ्लाई अब ध्यान से देखिए ये सपोजिशन है कि नहीं पहले तो ये बताइए. सपोजिशन में जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है रियल है कि अनरियल है. ठीक है और सपोजिशन किस बात की कर रहा है कि वो खुद अपने आप में क्या होता बर्ड होता. सब्जेक्ट के बारे में सपोजिशन हो रहा है. हाँ या ना. तो जब अनरियल है और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है तो यहाँ पे वर्ब होना चाहिए कि नहीं. तो साफ साफ दिख रहा है कि टाइप सेकंड है ये बात तो हो गई. लेकिन इसका क्या करेंगे. आप लोगों ने पढ़ा था कि टाइप सेकंड के जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसमें अकेला वर आएगा या अकेला हेड आएगा या अकेला वी टू आएगा और जो रिजल्टेंट क्लॉज है उसमें वुड प्लस वी वन आएगा. लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट का वर्ब आ गया तो जो बच्चे इसको इस तरह से देखेंगे ना कि प्रेजेंट का वर्ब आ गया ठीक है बोली भाई तो गड़बड़ कर जाएंगे. लेकिन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है. यदि मैं चिड़िया होता तो मैं फ्लाई करता. फ्लाई कब करता प्रेजेंट में करता है ना. तो ये फ्लाई करने की पॉसिबिलिटी बता रहा है कि नहीं. पॉसिबिलिटी बता रही है सर. यस सर. एनी डाउट. वुड लगाता तो वुड भी तो पॉसिबिलिटी बताता है. कुड भी तो पॉसिबिलिटी बताता है. माइट भी तो पॉसिबिलिटी बताता है. विल भी तो पॉसिबिलिटी बताता है. लेकिन विल और शैल जो है सिर्फ फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है. या कैन जो है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहा है. एनी डाउट. नो डाउट. सबको क्लियर है. बोलिए भाई. यस सर. यस सर. ठीक है. एक चीज देखिए जो बार बार मैं कह रहा था कि प्लूरल नंबर पास्ट फॉर्म. पास्ट टेंस नहीं पास्ट फॉर्म. ध्यान से देखिए अगर वो चिड़िया होता तो उड़ता. कब उड़ता. कैन किस टेंस का वर्ब है. प्रेजेंट. जल्दी बताइए सब लोग. प्रेजेंट. प्रेजेंट. प्रेजेंट टेंस का वर्ब है. इसमें तो कोई शक नहीं है ना. तो उड़ता कब प्रेजेंट में. तो वो चिड़िया कब होता पास्ट में. प्रेजेंट. यस एवरीवन. प्रेजेंट में सर. प्रेजेंट में. तो जो पास्ट फॉर्म का वर्ब है वो हमेशा पास्ट टेंस नहीं बताता है. वो प्रेजेंट टेंस भी बताता है. ठीक है. डिनोटिंग प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम. हेंस कंसीडर्ड. A verb of present tense. ये बात समझ में आ गई. आप लोग कल परसों से शायद रिमार्क नहीं कर रहे होंगे कि मैंने बार बार इस बात को फोकस किया था कि जब भी अनरियल सपोजिशन करते हैं तो अनरियल सपोजिशन करने के लिए प्लूरल नंबर और पास्ट फॉर्म. फिर मैं स्ट्रेस करता था कि पास्ट फॉर्म पास्ट टेंस नहीं क्योंकि
पास्ट फॉर्म में जो वर्ब होता है वो हमेशा पास्ट टेंस बताइए, जरूरी नहीं है, क्योंकि टेंस को आपने पढ़ा है कि रेफरेंस ऑफ टाइम, तो वर्ब जो है जब सपोज कर रहा है तो वो सपोजिशन स्पीकिंग टाइम की तुलना में किस समय का सपोजिशन है, स्पीकिंग टाइम की तुलना में स्पीकिंग टाइम पे ही है तो प्रेजेंट का, स्पीकिंग से पहले का है तो पास्ट का, एनी डाउट? और ये बता रहा है कि वो कब उड़ता है, प्रेजेंट पे होता है, तो प्रेजेंट पे उड़ने के लिए वो पास्ट में चिड़िया होता है या प्रेजेंट पे चिड़िया होता? मेरे कोई कह रहा है पास्ट में होता, बोलो भाई कब होता? प्रेजेंट में। अब देखिए इसी को हम इधर करके दे दें, जो अभी एक वर वाला हमने किया था, कहां तो था, इसमें कहीं था, वो पास्ट का टाइम रेफरेंस दे रहा था यार, कहां गया? इसी में था, वो पास्ट का टाइम रेफरेंस दे रहा था, मैंने कहा कि इसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, छोड़ो भूल गया कहीं हो सकता, ध्यान भी नहीं आता। अब आओ यहीं पे देख लो, इधर देखिए, he looks as if he were, question number 14 पे वापस है, he looks as if he were very, तो were very, he तो singular subject है ना, तो singular subject के लिए तो was आना चाहिए था, were आया, तो यहाँ पे were real supposition कर रहा है कि unreal कर रहा है, बस ये बता दीजिए। unreal कर रहा है, unreal कर रहा है, अब ध्यान से देखिए, जी? question number 11 बच्चों का क्वेश्चन पेपर बना दिया, एज इफ ही वर वरी, मानो यदि वह थका हुआ हो, थका हुआ कब हो, किस टाइम को रेफर कर रहा है, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर? सिंपल प्रेजेंट में ना, तो प्रतीत कब होता है, प्रेजेंट में, और कैसा प्रतीत होता है कि थका हुआ, तो जब प्रेजेंट में प्रतीत होता है तो थका हुआ कब होगा, पास्ट में? नो सर, प्रेजेंट। क्लियर हो रहा है सबको? सर रुक जाओ दो मिनट, क्लियर हो रहा है सबको ये? जी सर। यस सर। सर्विस बताओ, पूछो, बताओ नहीं पूछो। सर अगर हम लुक्स को हटा दें यहाँ से, केवल एज इफ ही वर वेरी, तो क्या होगा इस सेंटेंस का अर्थ? अरे भैया गजब बात कर रहे हैं आप, लिख के देख लीजिए ना, लिख के देख लीजिए, एक बार लिखिए जरा, सर्वेश एक बार लिख के देखो। हाँ सर, मैं लिख, वो मैं सेंटेंस पे नहीं कर रहा हूँ, अगर जैसे केवल ही लुक्स अगर मैं हटा देता हूँ तो इसका क्या ये अर्थ बनेगा? एज अर्थ ही नहीं बनेगा, अर्थ ही नहीं बनेगा, पढ़ के देख लीजिए ना, ही एज इफ वेरी सबॉर्डिनेट क्लॉज है ना, अगर आप जीविता लेते हैं एज इफ ही वेर वेरी, हेलो सर्वेश, एज इफ ही वेर वेरी, ठीक है, तो ये इतना बता रहा है कि मानो यदि वो थका हुआ, ठीक है, अब थका हुआ है कि थका हुआ था ये नहीं पता चलेगा आपको, इसी चीज को एक एजुकेटेड मैनर में पूछ रहा हूँ, वर्ब है, हम बाकी छुपा दिए, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, यस सर, तो सेंटेंस हो गया, बोलिए, यस सर, एज इफ ही वेर वरी, ये भाव पूरा दे रहा है? नो सर, नो सर, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा ना? यस सर, तो क्या अकेला सबॉर्डिनेट क्लॉज किसी सेंटेंस में एग्जिस्ट कर सकता है ग्रामेटिकली? नो सर, क्लियर है? यस सर, यस सर, ओके, हाँ ये रूपांजलि मैडम बताए थे क्वेश्चन नंबर 11 ना, 11 क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, 11 नहीं था ये, वो तो हो गया था, उसमें तो हैड आया था, 11 नहीं था, हाँ 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 11 ही था, 11 ही था, ठीक है 11 ही था,
ठीक है, 11th क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11th में द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड, कब बात किया? पास्ट में, एज इफ ही हैड ऑलरेडी, मतलब हैज को हैड कर दिया था करेक्शन करके, हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड, मानो यदि उसको चुन लिया गया हो ना, तो यहाँ पे हैड जो है पास्ट टाइम को ही रेफर कर रहा है, हैड यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का रेफरेंस नहीं दे रहा, क्योंकि बात कब की हो रही है? पास्ट की हो रही है। एनी डाउट? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जो भी टाइप कंडीशनल सेकंड का हम लोग लिखते हैं क्लॉज, तो उसमें जो अकेला वर्ब आता है वी टू, या अकेला हैड या अकेला वर्ब आता है, वो हमेशा पास्ट को शो करिए जरूरी नहीं है, हमेशा प्रेजेंट को शो करिए जरूरी नहीं है, देखना पड़ेगा जो दूसरा वर्ब है आपको मिला हुआ मेन क्लॉज में, ठीक है, वो किस टाइम को रेफर कर रहा है, तो उसी का टेंस वो फॉलो करेगा। क्लियर? बोलो भाई। यस सर, यस सर, ठीक है, आगे चले। कितने क्वेश्चन है यार, टोटल बहुत ज्यादा क्वेश्चन लग रहा है। ओ गॉड, 32 एक क्लास कल करना है ना, छोड़ दे थोड़ा यहीं पे, रुक जाओ इसी। जी सर, तुरंत कहते हैं खाना वाना बना करके बैठा करो क्लास में, नहीं रुक जाओ, 16 नंबर करा दे। Had she been hungry, she would have devoured the whole lot of it. तो रिजल्टेंट क्लॉज कह रहा है सी वुड हैव डिवोर्ड, तो सी वुड हैव, वुड हैव, वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री, तो कंडीशनल सॉरी रिजल्टेंट थर्ड में जा रहा है ना। यस सर, ठीक है, तो हमें तो इसमें लग रहा है नो इम्प्रूवमेंट। हैड शी बीन हंग्री, यदि वो भूखी होती ना, ठीक है। 17 नंबर, 17 रिपीटेड है, आई विल बी हैप्पी इफ, अरे हाँ नहीं नहीं रिपीटेड नहीं, 17 नंबर देख लो भाई, 16 का मैं आंसर लिख दू पहले, सर्वेश छोड़ा हूँ, घबराओ नहीं, रुक जाओ, तुमसे ज्यादा आज थका हुआ हूं मैं। आज हमको शास्त्री पुल जो है पार करने में पूरे 45 मिनट लगे, सिर्फ शास्त्री पुल यानी गंगा जी के ऊपर वाला पार्ट, इतना जाम चल रहा है, एक लेन का और ये क्लिक बुक हो गया है। 16 में क्या था यार, नो इम्प्रूवमेंट, डी ऑप्शन। 17 नंबर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, चूंकि हिंदी के अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं, आई विल बी हैप्पी इफ यू विल बाय मी एप्पल्स, मैं खुश होऊंगा यदि तुम मेरे लिए एप्पल खरीदोगे, तो ये समझ लीजिए कि इंग्लिश में एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज हैं, तो लगातार दो क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होंगे, एक प्रेजेंट में होगा तो एक फ्यूचर में होगा। अब ये बात होगी कि एक प्रेजेंट में होगा एक फ्यूचर में होगा, तो किसको प्रेजेंट पे रखेंगे, पहले वाले को कि बाद वाले? बोले पहले बात की बात नहीं है, जो काम बाद में होगा वो फ्यूचर में आएगा, ठीक है। तो आई विल बी हैप्पी इफ यू विल बाय मी एप्पल, तो पहले हम खुश होंगे कि पहले एप्पल खरीदेगा वो? पहले एप्पल। तो जो काम पहले होगा वो प्रेजेंट में आ जाएगा, और जो बाद में होगा वो फ्यूचर, तो will happy तो ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन भी किया, will buy तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में, इफ यू बाई ना, ये ऑप्शन, ठीक है। 18 नंबर, कृष्णा ठीक चल रहा है भैया, थोड़ा सा इस पे रिवाइज करना कृष्णा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यस सर। ओके, इफ आई डैश आई मे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, आई मे हैव, I may have, मुझे करना पड़ेगा, ऐसा भाव दे रहा, हाँ या ना? बोलो भाई। Yes, sir. तो क्या होगा आंसर बताएंगे आप लोग? सर I want to go होगा। हाँ 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 हाँ, ये अनरियल बता रहा है कि रियल बता रहा है? Is this supposition real or unreal? Unreal, sir. कैसे भाई, क्या भाव आ रही बता दो, इफ आई जाने की बात कर रहा ना, यदि मुझे जाना हो तो मुझे पैसे खर्च, ढेर सारे पैसे खर्च करने होंगे, हाँ या ना, बोलो भाई।
तो क्या होगा, बी ऑप्शन आएगा, इफ आई हैव टू गो, यदि मुझे जाना है. ठीक, ओके, 19 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है. बाकी आप लोग करके रखिएगा, कल ये जल्दी खत्म हो जाएगा. और कल खत्म हो जाएगा तो फिर परसों क्लास, परसों संडे नहीं, रक्षाबंधन मंडे को है ना? जी सर. तो संडे को छुट्टी की तो किसी को जरूरत होगी नहीं, ये है किसी को जरूरत छुट्टी की? सर हमारा पेपर है. अरे आपका पेपर है तो आप तो उत्तराखंड के लिए एडमिशन लिए थे ना? यस सर. कंटिन्यू तो नहीं करना है आगे? चलो बाद में बात कर लेना, ठीक है. ओके, 19 नंबर. इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, इफ आई हैड अकेला वर्ब आया है, यदि मेरे पास ढेर सारे पैसे होते, आई वुड गिव सम टू एनीबडी, ठीक है, हु आस्क्ड फॉर इट. क्या एरर है भाई? सर सेकंड में क्या क्या गलती बताइए सर? कोई एरर नहीं है, नो एरर है इसमें. हाँ इसमें नो एरर है, ठीक है, ये अनरियल में जा भी रहा, नो एरर है इसमें, कोई दो राय नहीं है, नो एरर है, ठीक है. ओके, ये क्या कह रहा है, यदि मेरे पास ढेर सारे पैसे होते तो मैं किसी को भी दे देता जो मांगता ना. बोलो भाई. यस सर. यस, नो एरर डी है. बाकी आप लोग कल करके रखिएगा, ठीक है. ओके, तो रक्षाबंधन मंडे को है तो संडे को आप लोगों को कोई छुट्टी नहीं चाहिए, आई सपोज सो, ठीक है. ओके कृष्णा, अगर तुम्हें ये बैच कंटिन्यू करना होगा आफ्टर योर एग्जामिनेशन तो आप बात कर लीजिएगा, ठीक है. यस सर. चलो, क्योंकि आपने एडमिशन इसी के लिए लिया था ना, सिर्फ उत्तराखंड के लिए, ठीक. बाकी हाँ, यस, किसी का कोई ग्रीवेंस, कोई कंप्लेंट, कोई डाउट, कोई सजेशन? बिल्कुल नहीं.